वेलकम बैक वंस अगेन टू कोर इकोनॉमिक्स. और गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. लास्ट जो हमारी वीडियो थी दैट वाज रिलेटेड टू द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, की कौन से चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इन सर्विसेज के रिटर्न में इनको क्या मिलता है, जिसको कि हम फैक्टर इनकम बोलते हैं. और एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम. तो फैक्टर इनकम बेसिकली वो इनकम है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को मिल रही है प्रोवाइड करने पे अपनी फैक्टर सर्विसेज. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि फैक्टर इनकम इज अ इनकम विच इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो जब भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो जो इनको फैक्टर पेमेंट्स मिल रही है इन रिटर्न, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम. रिसीव करने वाला जो है उसके लिए इनकम, पे करने वाले के लिए पेमेंट हो गई. तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख सकती हूँ फैक्टर इनकम के, जैसे कि लैंड पे रेंट, लेबर विल गेट वेजेस और सैलरी, ठीक है, और आपके कैपिटल पे क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर विल गेट प्रॉफिट फॉर हिज और हर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स. सिमिलरली अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ट्रांसफर इनकम क्या होता है फिर, ठीक है, ट्रांसफर इनकम आपको मिल रही है विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस. आपने सामने वाली पार्टी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, यू हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी सर्विस. तो यहाँ पर हमारे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन, द क्राइटेरिया इज एज एंड नॉट द सर्विस प्रोवाइडेड. हो सकता है आपने अपनी पूरी लाइफ में कोई काम नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको ओल्ड एज पेंशन मिलेगी क्योंकि आपका एज क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ एज यू विल गेट दिस इनकम. सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, आप यहां पे कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बट यू आर एंटाइटल्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफर इनकम. ये हमारे ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल हैं. इसी तरीके से कोई भी अगर आपका गिफ्ट, चैरिटी का अमाउंट मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर इनकम. जिसको, जो उसको रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम है, जो पे कर रहा है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन कौन पे करता है, गवर्नमेंट, तो उसके लिए पेमेंट क्या हो गई, ट्रांसफर पेमेंट. रिसीव करने वाले के लिए ट्रांसफर इनकम, ठीक है जी. और यहाँ पे इनके ये एग्जाम्पल्स हैं फैक्टर इनकम के और ट्रांसफर इनकम के. ट्रांसफर इनकम को हम यूनिलैटरल पेमेंट्स भी बोल देते हैं क्योंकि ये वन साइडेड है. यूनिलैटरल मींस वन साइडेड, तो इसीलिए हम इनको बोल देते हैं वन साइडेड जो है इनकम या पेमेंट्स है. रिसीव करने वाले के लिए इनकम, पे करने वाले के लिए पेमेंट. अगेन अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इनकम, तो ये जो आपकी फैक्टर इनकम है ये इंक्लूड होती है इन बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. और जो ट्रांसफर इनकम है नॉट इंक्लूडेड इन बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. ट्रांसफर इनकम जो है बेसिकली वो ना तो हम अपनी डोमेस्टिक इनकम जो है उसमें इंक्लूड करते हैं, ना नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं. यानी कि जो प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करने से इनकम रिसीव नहीं हो रही, तो ये डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो रही है. डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको समझने हैं, उसके लिए आप मेरी जो दूसरी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं. और फैक्टर इनकम जो है वो इंक्लूड होता है बोथ डोमेस्टिक और नेशनल इनकम, दोनों में ही ये इंक्लूड किया जाता है.